morning, children. Again, I am present here. तो आज का जो क्लास होगा इसमें हम इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है? इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर. तो फटाफट आप लोग अपना अपना अटेंडेंस बढ़ा लें ताकि क्लासेस जल्द से जल्द स्टार्ट हो सके, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास. देखिए, सबसे पहले वाटर के बारे में बता दूँ कि वाटर जो होता है ये बेसिक जो हमारी ज़रूरत है तो उसमें से ये एक है. और वाटर के बिना नो एनिमल्स सर्वाइव, तो कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता है बेसिकली. यहाँ तक कि एनिमल्स, प्लांट्स, कोई भी जीव जंतु, वो बिना वाटर के, बिना पानी के जीवित नहीं रह सकते. वाटर इज़ वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स एज वेल इट इज़ एसेंशियल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बींग्स. एक तो हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए, दूसरा जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी सजीव प्रजाति के हैं, इन सभी के लिए वाटर जरूरी होता है. वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग. बेसिकली हम पानी का इस्तेमाल ड्रिंकिंग के लिए कर सकते हैं. घर में बहुत सारे डोमेस्टिक यूज़ हैं वाटर के, तो उसके लिए भी हम पानी का यूज़ करते हैं. प्लांट्स रिक्वायर वाटर टू प्रोड्यूस फूड. अब जैसे पौधे हो, पौधे को क्या करना है, पानी का इस्तेमाल बेसिकली वो भोजन तैयार करने के लिए करते हैं. नेक्स्ट है, सीड्स रिक्वायर वाटर टू जर्मिनेट, है ना? सीड्स यानी बीज, बीज को पानी की ज़रूरत क्यों होती है? बीज को पानी की ज़रूरत होती है ताकि वो बीज जर्मिनेट कर सके. जर्मिनेशन क्या होता है? टू ग्रोइंग अ न्यू प्लांट फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन, ठीक है? तो सीड को जर्मिनेट करने के लिए वाटर जरूरी होता है. एनिमल्स ऑल्सो रिक्वायर वाटर टू स्टे अलाइव. जानवरों को भी, जीव जंतुओं को भी जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए. इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट, और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, दैट देयर वुड बी नो लाइफ ऑन अर्थ विदाउट वाटर. मतलब बिना पानी के ज़िंदगी यहाँ पर बिल्कुल नहीं, इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती है, ठीक है, बिना पानी के. नेक्स्ट है इसके बाद, देखिए आप यूजेज ऑफ वाटर, पानी के उपयोग, इसके बारे में जानते हैं. वाटर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ह्यूमन बॉडी विच आर लिस्टेड बिलो. देखिए, मनुष्य के शरीर में इसका क्या उपयोग है, जरा इसके बारे में जान लेते हैं. सबसे पहले कहता है, इट डिजॉल्व द न्यूट्रिएंट्स एंड सॉल्ट्स प्रेजेंट इन आवर फूड सो दैट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इजीली. मतलब यह जो है हमारे भोजन में जो भी डाइजेशन के लिए, यानी कि जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इन सबको अच्छे से वाटर पहले घोल देता है, और उसके बाद ये जो भी जहाँ भी एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत होती है बॉडी में, हर जगह वह जा करके स्टोर होना शुरू हो जाता है. नेक्स्ट है, इट रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर. देखिए, जो हम पानी पीते हैं तो वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी नॉर्मल रखता है, ठंडा रखता है. बेसिकली हमारे अंदर जो मनुष्य के शरीर के अंदर जो ब्लड है वो हॉट होता है, गर्म होता है. अगर वो ज़्यादा गर्म हो जाता है तो मे बी कि वो ब्रेन हैमरेज का भी कारण हो सकता है. तो पानी पीने से क्या होता है, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो एकदम रेगुलेट करते रहता है, उसको नॉर्मल बना के रखता है, ठीक है? जैसे आपने कभी गाड़ी को देखा होगा, कोई भी फोर व्हीलर्स होते हैं तो बेसिकली जब उसके इंजन हीट होते हैं तो उसको ठंडा करने के लिए उसमें एक रेडी वाटर भी यूज किया जाता है, है ना? वो एक पार्ट होता है, उसमें वाटर डाला जाता है जो कि कूलेंट का काम करता है. नेक्स्ट है, इट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड फूड इन द बॉडी. ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन और फूड को भी एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करता है. कौन करता है? वाटर. नेक्स्ट है, इट हेल्प्स टू एक्सपेल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट. यहाँ तक कि ये हमारे शरीर से, यानी वाटर जो है हमारी बॉडी से वर्ज्य पदार्थ, यानी जो बेकार है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसे भी हमारे बॉडी से ये एक्सक्रीट करके बाहर करता है. और वो भी किस फॉर्म में, तो आप जानते हैं, स्वेट यानी पसीना, और इसके अलावा यूरिन यानी पेशाब, इन सब के माध्यम से हमारे शरीर से जितने भी गंदे पदार्थ हैं वो बाहर चले जाते हैं. नेक्स्ट है, वाटर इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर. अभी तो हमने पढ़ा कि हमारे बॉडी में वाटर का क्या इंपॉर्टेंस है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, वाटर इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर. एक्चुअली खेती के लिए पानी का बहुत ही ज़्यादा जरूरत होता है. नेक्स्ट है, वाटर इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज लाइक स्टील मिल्स, पेपर फैक्ट्रीज एट्सेट्रा. मतलब पानी का इस्तेमाल जो है उद्योग, कल कारखानों में भी किया जाता है,
चाहे वो पेपर फैक्ट्री क्यों ना हो, चाहे स्टील मिल क्यों ना हो, चाहे कोई भी खाने पीने का जो सामान यहाँ तैयार होता है, चाहे वही फैक्ट्री क्यों ना, हर जगह पानी का इस्तेमाल होता है। इसीलिए ज़्यादातर फैक्ट्री जो होते हैं वो नदियों के किनारे या समुद्र के किनारे ही सेटअप किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर। वाटर इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, पानी का इस्तेमाल यानी जल का इस्तेमाल हम बिजली के उत्पादन के लिए भी करते हैं, और आपने देखा होगा अक्सर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इसका नाम होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि पानी से बिजली का उत्पादन करना, इट इज़ नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। कई ऐसे शहर हैं जहाँ अब धीरे धीरे करके लोग पनबिजली का निर्माण शुरू कर चुके हैं। बड़े बड़े शहरों में भी पनबिजली के द्वारा ही इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन किया जाता है और उसे घर घर पहुँचाया भी जाता है। तो एक्चुअली ये जो है रिन्यूएबल रिसोर्स है, और ये काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि पहले जब बिजली का निर्माण होता था तो उसमें थर्मल प्लांट से किया जाता था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा कोयले का इस्तेमाल करके उससे इलेक्ट्रिसिटी बना करके फिर घर घर पहुँचाया जाता था, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था। बट अब जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के होने से क्या होता है कि इसमें काफ़ी हाइट से पानी को नीचे ड्रॉप किया जाता है, गिराया जाता है, और नीचे बड़े बड़े टर्बाइंस और आर्मेचर्स के द्वारा, डायनेमो के द्वारा वो इलेक्ट्रिसिटी को, है ना, ग्रिड में स्टोर करके उसे घर घर सप्लाई किया जाता है। तो ये सब का प्रोसीजर है कि कैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तैयार किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। वाटर एक्ट्स एज कूलेंट इन पावर जनरेशन। ठीक है, पावर जनरेशन यानी जहाँ भी पावर जनरेट होता है बेसिकली वहाँ ये कूलेंट का काम करता है। जैसा कि मैंने अभी तुरंत पीछे एग्जाम्पल दिया था, जैसे कोई भी फोर व्हीलर्स, गाड़ियाँ हो, बड़े बड़े ट्रक हो, इन सब में जहाँ भी आप देखते होंगे मैं मशीन जहाँ से पावर जनरेट होता है, तो उसमें वाटर देने की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि ज़्यादा या लगातार वह गाड़ी चलता रहेगा तो हो सकता है मशीन कभी ख़राब हो जाए, उसमें कुछ दिक्कतें आ जाए, तो मशीन को ठंडा करने की ज़रूरत भी होती है, इसके लिए उसमें वाटर डालना आवश्यक है और ये कूलेंट का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर इज़ यूज टू क्लीन टॉयलेट्स, स्ट्रीट एट्सेट्रा। मतलब जल का इस्तेमाल हम बाथरूम या गली, मोहल्ले, घर, इन सब के फर्श को साफ करने के लिए भी करते हैं। शिप्स एंड बोट्स दैट आर यूज टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पीपल सेल ऑन वाटर। बेसिकली शिप और बोट यानी जहाज, छोटे छोटे नाव, डोंगियाँ, इन सब का इस्तेमाल जो है हम लोग इंटरटेन के लिए, जैसे कभी जाते हैं तो नदी में भी जाते हैं, नदी या तालाब में या पोखर में, तो वहाँ भी वाटर होना ज़रूरी है, क्योंकि वाटर नहीं होगा तो वो नाव किस पर चलेगा, है ना, ये भी दिक्कत है। नेक्स्ट है वाटर इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर्स। जल का इस्तेमाल आग को बुझाने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा बड़े बड़े जो जहाँ भी कभी काफ़ी भयानक आग लग जाए वहाँ पर जो फायर ब्रिगेड्स आते हैं तो वो ज़्यादातर पानी का ही हैवी फोर्स इस्तेमाल करते हैं ताकि आग को जल्दी से जल्दी बुझाया जा सके और नुकसान कम हो। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर वाटर स्पोर्ट्स लाइक रिवर राफ्टिंग। जल का इस्तेमाल जो होता है बेसिकली वाटर स्पोर्ट्स यानी जल क्रीड़ा, यानी जल में जितने भी प्रकार के खेलकूद होते हैं बेसिकली उसके लिए जल की ज़रूरत होती है, चाहे स्विमिंग हो, चाहे रिवर राफ्टिंग हो, चाहे बोटिंग हो, चाहे जितने भी प्रकार के डाइविंग हो, इन सारी तरह के जो स्पोर्ट्स होते हैं बेसिकली जल से संबंधित, तो इन सब में वाटर की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है बीइंग अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। चूँकि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसके कारण वाटर इज यूज टू डिजॉल्व मैनी थिंग्स फॉर वेरियस पर्पसेज। इसीलिए जल का इस्तेमाल कई चीज़ों को उसमें घुलाने के लिए भी किया जाता है, चाहे चीनी हो, चाहे नमक हो, चाहे ओआरएस हो, चाहे किसी प्रकार का एसिडिक पदार्थ हो। इसके अलावा आप घर में खाना पकाते हैं तो खाना पकाने में भी तो वाटर का इस्तेमाल करना ही होता है, क्योंकि बिना वाटर का तो भोजन पक नहीं सकता है ना, चाहे आटा गूंथें, चाहे आप सब्जियां बनाएं, चाहे दाल बनाएं, चाहे चावल, किसी न किसी आइटम में आपको पानी की तो ज़रूरत होती है। अब देखिए, हम थोड़ा सा वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे इस अर्थ पे कि कहाँ पर कितना पानी फैला हुआ है, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। कहता है यू हैव लर्न दैट अबाउट 70% ऑफ द सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर। आप जानते हैं कि लगभग पृथ्वी की सतह पर लगभग 70% भाग जल से घिरा हुआ है। लेट्स स्टडी द फॉलोइंग चार्ट टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ। तो चलिए चार्ट का अध्ययन करते हैं। देखिए, इसमें मैं बता देता हूँ, सबसे पहले
टोटल अगर अर्थ का पूरी पृथ्वी पर अगर टोटल वाटर 100% है तो इसमें 97% वाटर जो है वो सलाइन है, यानी कि खारा पानी है, नमकीन है, जो पीने योग्य नहीं है। इसमें सिर्फ 3% ही फ्रेश वाटर है, ठीक है। अब इस 3% में, जो 3% जो फ्रेश वाटर है, इसमें लगभग 68.7% जो है वो आइस कैप है, नहीं तो वो ग्लेशियर के फॉर्म में जमा है, ठीक है। वो ग्लेशियर के फॉर्म में, यानी किसी पहाड़ या पर्वतों की चोटियों के ऊपर जो एक बर्फ का जो चादर होता है, जिसे हम ग्लेशियर कहते हैं। तो बेसिकली 68.7% जो हिस्सा है वो ग्लेशियर ही है। नेक्स्ट 30.1% जो है वो ग्राउंड वाटर है। इसके अलावा 0.3% जो है वो सरफेस वाटर है, जो कहीं वाटर आपको जमीन के ऊपर दिखता हो। इसके बाद 0.9% जो है वो अदर है, दूसरे। देखिए, इसके बाद सरफेस वाटर में जो 0.3% है, इसमें इसमें भी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें 86.99% आपको झील में पानी मौजूद है, 11% जो है स्वैम्प्स में, नहरों में, सब में जमा है, और 2% जो पानी है, जल है, वो नदियों में है। तो इस तरह से जल का डिस्ट्रीब्यूशन हमने पूरी पृथ्वी पर पढ़ा। तो कहता है, इट इज़ क्लियर दैट वेरी लिटिल, यानी अप्रोक्सीमेटली 0.01% वाटर, ओनली 0.01% वाटर इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ठीक है। ये सिर्फ मानव के उपयोग के लिए है। और अभी भी अगर हम वाटर कंजर्व नहीं करते हैं तो मे बी कि आने वाले समय में हमें वाटर का जो है घोर कमी, यानी एक बहुत बड़ा स्कार्सिटी हमें देखने को मिलेगा। और पानी के बिना तो आप जीवन की कल्पना कर नहीं सकते हैं। और आए दिन जिस तरह से पानी का दुरुपयोग हो रहा है, सबसे पहले तो इसे हमें कम करने की ज़रूरत है। लोगों में जागरूकता लाने की ज़रूरत है, इसके प्रति लोगों को समझ होनी चाहिए कि अगर हम पानी का इस तरह से दुरुपयोग करेंगे तो आने वाले समय में हमारे साथ क्या हो सकता है ना, क्या दिक्कतें आ सकती हैं बेसिकली। तो ये सारी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए हमें जो भी वाटर है, पीने योग्य जल है, तो इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए, ठीक है। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू सेव वाटर, इसीलिए काफ़ी ज़रूरी है कि हम पानी को बचाएं, उसे सेव करें। अब जहाँ